बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह की जयंती पर भव्य आयोजन सोमवार को पटना के मिलर स्कूल में किया जाएगा। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह के नेतृत्व में हो रहे इस आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। जयंती कार्यक्रम और बिहार पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश सिंह से पटना से हमारे सहयोगी एस के राजीव ने खास बातचीत की, ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश सिंह जी। क्या कुछ तैयारियां हैं? कोई नई तैयारी नहीं है। 2000 की विधानसभा में मैं पहली बार यहाँ चुनकर आया था और उस समय से लगातार बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, देश के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी, हम लोगों के पूर्वज डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह जी का जयंती समारोह प्रदेश स्तर पर हम लोग करते आए और प्रायः सभी जिलों में जाकर हम खुद न्योता देते हैं, लोगों को आमंत्रित करते हैं और बड़ी संख्या में, कल भी आप देखिएगा 25 से 50 हज़ार कम से कम लोग यहाँ उपस्थित होंगे। माना ये जा रहा है अखिलेश जी कि महागठबंधन को दिखाने के लिए आप एक शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, इसमें महागठबंधन से लेकर सभी लोग रहते हैं। पिछली बार तो सारे लोग थे ही, इस बार चूंकि उपचुनाव था, लोगों की व्यस्तता थी तो ज़्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया, ये बात सही है। नहीं तो महागठबंधन के सभी लोग, और अगर सच पूछिए तो ये लालू जी के कहने से ही ये प्रारंभ हुआ था, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने ही पहले हमको उत्साहित किया कि नहीं करना चाहिए। लोग महापुरुषों की जयंती में केवल फॉर्मेलिटी भर रह गया, रस्म अदायगी होता है, लेकिन उस समय से लगातार हम कर रहे हैं और सभी साथी इसमें एक बना हुआ है कमिटी, सब लोग मिलजुल के करते हैं। अखिलेश जी, इंटैक्ट है महागठबंधन आपका? बिल्कुल इंटैक्ट है, अभी चुनाव हो रहा है तो सीधा सीधी तो लड़ाई है, देखिएगा 24 को रिजल्ट आएगा। तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, विवादों से बचना चाहते हैं और इनका ये कहना है कृष्ण बाबू की जो जयंती है वो कल धूमधाम से मनाई जाएगी और लाखों कार्यकर्ता उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पटना से इसके राजीव R9 TV।